क्या एसपीटी एक्ट के अंतर्गत एक और मामला गोड्डा जिला से सामने आने वाला है। भूमाफियाओं पर लगा है जमीन हथियाने का आरोप। आरोपी का इल्जाम है निजी जमीन पर किया जा रहा है कब्जा। मुख्यमंत्री से लेकर जिला अधिकारी को लिख चुका है आरोपकर्ता खत, लेकिन नहीं लिया गया अभी तक कोई एक्शन। बता दें, प्रदीप कुमार प्रभांसु ने राकेश कुमार नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। प्रदीप का कहना है बलबड्डा स्थित उनके पिता ने 1981 में जमीन खरीदी थी, लेकिन 2020 में राकेश कुमार ने जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर करा लिया, जबकि पहले से ही प्रदीप के नाम पर जमीन का म्यूटेशन किया गया था। आरोप में कहा गया है राकेश कुमार ने मुद्रिका देवी के हस्ताक्षर से जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर कराया है। पहले राकेश म्यूटेशन कराने के लिए सीओ के पास पहुंचा था, लेकिन सीओ ने आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एसडीओ ने जमीन का म्यूटेशन राकेश के नाम पर किया था। आरोप में ये भी कहा गया है कि जमीन पहले से उनकी है और राकेश कुमार हड़पने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में आरोपकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात बताई है। उनका कहना है मुख्यमंत्री सचिवालय से पत्र भी आया, लेकिन उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आयुक्त को भी पत्र लिखने की बात बताई गई है। किसी के द्वारा उचित कार्यवाही होता नहीं देख आरोपकर्ता अपनी पैतृक जमीन को बचाने की हर जद्दोजहद में जुटा हुआ है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या जमीन प्रदीप कुमार की पैतृक जमीन है और मुद्रिका देवी के किस हैसियत से जमीन की म्यूटेशन राकेश कुमार के नाम पर हुई। अगर प्रदीप कुमार कह रहे हैं कि जमीन 1981 से उनकी है, जमीन पर दीवारों की बाउंड्री भी की हुई है और पिता का नाम भी लिखा हुआ है, ऐसे में क्या प्रदीप कुमार ने 1981 में जमीन खरीदी थी? यह कोर्ट और प्रशासन तय करेगी। वहीं प्रदीप कुमार का कहना है राकेश कुमार उनको लगातार धमकी दे रहा है। ये सभी आरोप प्रदीप कुमार प्रभांशु के हैं। उम्मीद है प्रशासन की नजर सोर जाएगी। उचित जांच के बाद क्या नतीजा सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री एवं उपायुक्त महोदय दुमका को मैं आवेदन दिया हूँ, जिससे कि मुख्यमंत्री के यहाँ से भी जांच आया है, जिसका कि पत्रांक संख्या 8502371 दिनांक 6/8 को उपायुक्त गोड्डा की पंजी से यह कहा गया है कि उपयुक्त विषय के आलोक में प्रदीप कुमार प्रभांशु बनौदा थाना मेहरमा द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है और भूमाफिया और पदाधिकारियों के द्वारा मिली हुई जमीन हड़पने और जान माल के संबंधित छाया कॉपी संलग्न है। उस पर निर्देश दिया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देशित किया है कि उक्त आवेदन में अंकित तत्वों के आलोक में स्थल पर जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई करें और 2/6 तक इसको हस्ताकारी को अवगत कराने का सुनिश्चित किए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इसका जांच डीसी महोदय गोड्डा स्वयं करें और मुझे एक भूमि का संज्ञान लेते हुए मुझे एक न्याय मिले और मुझे न्याय देते हुए भूमाफिया से मेरी पैतृक भूमि एवं भूमाफिया को सजा दिलाते हुए चार दीवारी का निर्माण और मेरे रास्ते पर विपक्षी के द्वारा रास्ता दिलाया गया है और जान माल की सुरक्षा से मुझे न्याय देने की कृपा की जाए। मैं यही संज्ञान में विराम लेता हूं और मैं डीसी महोदय से निवेदन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि मेरी भूमि को बचाने का कृपा की जाए।